सो गुड मॉर्निंग सानिया मुस्कान। कैन यू हियर मी? आवाज आ रही क्या? हाँ ठीक है ठीक है। ओके ओके। सो देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन नेपोलियन एंड स्नोबॉल फॉर द पावर। स्नोबॉल जनरेट्स ए स्कीम टू फॉर्म एन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग विंड मिल। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग विंड मिल तो एक हवा के ऊपर बिजली तैयार करने का विंड मिल वो बनाना चाहता है स्नोबॉल। हाउ एवर नेपोलियन डिसिसिवली कॉम्पिट्स अगेंस्ट द प्रपोजल, स्नोबॉल डिलीवर्स अ पैशनेट स्पीच। ऑल्दो नेपोलियन प्रोवाइड्स ओनली अ ब्रीफ रिप्लाई, ही देन मेक्स एन ऑड नॉइज एंड द पपीज द नाइन अटैक डॉग्स दैट नेपोलियन हैड अप्रोप्रिएटेड इन ऑर्डर टू इंस्ट्रक्ट रश इन टू द बार एंड अटैक स्नोबॉल। हेस्टिली नेपोलियन शोल्डर्स लीडरशिप ऑफ एनिमल फार्म एंड प्रोक्लेम्स दैट देयर विल बी नो मोर गैदरिंग्स एंड मीटिंग्स। देन ही डिक्लेयर्स द पिक्स अलोन विल मेक ऑल द रिजोल्यूशंस फॉर द वेलफेयर ऑफ ईच एनिमल। तो ऐसा दोनों में झगड़ा होता है आप नेपोलियन और स्नोबॉल में, और नेपोलियन अब हुकूमत करने लगता है। नेपोलियन हेयर एंड नाउ स्पीडिली ट्रांसफॉर्म्स हिज अटेंशन फ्रॉम द विंडमिल एंड द एनिमल्स, स्पेशली बॉक्सर डिवर्ट देयर एनर्जीज टू फाइनलाइजिंग इट वन डे आफ्टर ए स्टॉर्म। द एनिमल्स डिस्कवर द विंडमिल कोलैप्स्ड। द ह्यूमन फार्मर्स इन द एरिया अनाउंस अनप्लीजेंटली दैट द एनिमल्स एंडेड द वॉल्स टू टाइनी, बट नेपोलियन राइट्स दैट स्नोबॉल रिटर्न टू द फार्म टू डैमेज द विंडमिल। वो खुद डैमेज करता है नेपोलियन वो विंडमिल को, और बाद में बाकी जानवर को कहता है कि ये स्नोबॉल ने किया है। ही स्टेप्स अ ग्रेट रिमूवल ड्यूरिंग विच मेनी एनिमल्स कॉन्ट्रीब्यूटेड इन स्नोबॉल्स ग्रेट कॉन्स्पिरेसी। मीनिंग एनी एनिमल अपोजिंग नेपोलियंस अनकंटेस्टेड लीडरशिप विल मीट इंस्टेंट डेथ एट द टीथ ऑफ द अटैक डॉग्स। विथ हिज लीडरशिप अनक्वेश्चन्ड, बॉक्सर हैज टेकन अप टू सेकंड मैक्सिम, नेपोलियन इज ऑलवेज राइट। और बॉक्सर जो है वो हमेशा ऐसे बोलता है कि नेपोलियन इज ऑलवेज राइट, अरे नेपोलियन कभी गलती नहीं करता। नेपोलियन इनिशिएट्स इंक्रीजिंग हिज कंट्रोल्स, री राइटिंग हिस्ट्री टू मार्क स्नोबॉल एंटी हीरो। नेपोलियन ऑल्सो कॉमेंसेस टू वर्क मोर एंड मोर लाइक अ ह्यूमन बीइंग, स्लीपिंग इन अ बेड, ड्रिंकिंग विस्की एंड अपीलिंग इन प्रोफेशन विथ नेबरिंग फार्मर्स। द ओरिजिनल एनिमलिस्ट प्रिंसिपल सिवियरली बैंड सच एक्टिविटीज, बट स्क्विलर नेपोलियंस प्रोपोगैंडिस्ट एक्सप्लेन्स एवरी एक्शन टू द अदर एनिमल्स, कन्विंसिंग देम दैट नेपोलियन इज अ प्रोनाउंस्ड लीडर एंड इज क्रिएटिंग थिंग्स बेटर फॉर एवरी वन, नोट विथ स्टैंडिंग द फैक्ट दैट द कॉमन एनिमल्स आर अनफ्रेंडली हंग्री एंड ओवर वर्कड। देखो अभी ये क्या है, रास्ते का काटा हटाना बोलते हैं। इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी वो करता है नेपोलियन, किसके खिलाफ करता है? स्नोबॉल के खिलाफ। कि तो अब इसको इसको बॉस बनना है ना, इसको बॉस बनना है। जैसा रशियन रिवॉल्यूशन के बाद में झार निकोलस सेकंड को हटाया गया, और बाद में वहां पे जोसेफ स्टालिन की सत्ता आ गई रशिया में, जोसेफ स्टालिन और लियोन ट्रॉटस की। तो जोसेफ स्टालिन ने उसी तरह जैसे नेपोलियन यहाँ करता है, जोसेफ स्टालिन रशियन रिवॉल्यूशन के बाद में वैसे ही करता है।
ओलियन ट्रॉटस्टी जो वो समझता है कि उसके रास्ते का काटा है, काटे को बाजू में करता है। तो अभी पूरा जो इल्ज़ाम है ये स्नोबॉल पे डाला गया है यहाँ पे, कि ये जो विंड मिल है इसको इन्होंने तोड़ा, इसको जला डाला, है ना, जैसा रहता है ना हम फिल्मों में देखते हैं। तो कुछ गुंडे आते हैं और वो किसी का घर जलाते हैं और बोलते हैं कि ये उन्होंने जलाया, दूसरों पे इल्जाम डालते हैं, फिर पुलिस आके उनको पकड़ती है। ऐसा कॉन्स्पिरेसी चलता है दुनिया में, बुरे लोग कॉन्स्पिरेसी करते हैं अच्छे लोगों के खिलाफ। मिस्टर फ्रेडरिक, अ नेबरिंग फार्मर, चीट्स नेपोलियन इन द बाइंग ऑफ सम टिम्बर एंड देन आउटब्रेक्स द फार्म एंड एक्सटिंग्विशेस द विंड मिल विच हैड बीन रिकंस्ट्रक्ट एट ग्रेट एक्सपेंडिचर। आफ्टर द डिमोलिशन ऑफ द विंड मिल एन इनक्लाइंड बैटल सक्सीड्स ड्यूरिंग विच बॉक्सर ऑब्टेन्स मेजर इंजुरीज। द एनिमल्स रिट्रीट द फार्मर्स बट बॉक्सर्स वुंड्स वीकन हिम। ही फील्स दैट हिज टाइम हैज प्रैक्टिकली कम। वन डे बॉक्सर इज नाउ हियर टू बी सीन। अकॉर्डिंग टू स्क्विलर, बॉक्सर हैज डाइड इन पीस आफ्टर हैविंग बीन टेकन टू द हॉस्पिटल, प्रेजिंग द रिबेलियन विथ हिज लास्ट ब्रेथ। इन सर्टेनिटी नेपोलियन हैज वेंडेड हिज मोस्ट लॉयल एंड लॉन्ग सफरिंग वर्कर टू अ पेस्ट मेकर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मनी फॉर व्हिस्की। सो इन दिस वे बॉक्सर डाइज अनदर एनिमल। इन द कोर्स ऑफ टाइम द पिक्स कन्वर्ट द एनिमल फॉर्म मोर एंड मोर लाइक ह्यूमन बींग्स। अब कुछ वक्त गुजर जाता है और ये एनिमल फॉर्म जो है वो थोड़ा सा ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इट इज चेंजिंग इन टू द ह्यूमन फॉर्म, वॉकिंग अपराइट, रिसाउंडिंग व्हिप्स एंड ट्राइंग क्लॉथ्स। मतलब ये देखो ये क्या हो रहा है, वो हिप्स लगा रहे हैं, इंसान की तरह चल रहे हैं जानवर। आप जानवर हमको मालूम है कि चार पैर पे वो चलता है। चार पैर पे वो इंसान, सॉरी जानवर चलता है, और इंसान के दो पैर होते हैं, दो हाथ होते हैं। अभी जानवर भी ऐसा चल रहे हैं, फिर कपड़े पहन रहे हैं। सो आफ्टर द रिवोल्यूशन व्हाट हैपन्ड, दिस एनिमल फॉर्म इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन फॉर्म। इवेंचुअली द सेवन प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमलिज्म, वो एनिमलिज्म के जो सेवन प्रिंसिपल्स थे, है ना, जिसको सेवन कमांडमेंट्स बोलते हैं वो, एंड कार्व्ड ऑन द साइड ऑफ द स्टोर हाउस बिकम रिड्यूस टू अ सिंगल प्रिंसिपल रीडिंग, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। देखो सेवन कमांडमेंट्स जो बने थे, जो उनका धर्म बना था, मजहब बना था, वो मजहब का नाम था, वो सेक्ट का नाम था एनिमलिज्म, है ना। एनिमलिज्म मतलब जानवरों का एनिमलिज्म। तो ये सेवन कमांडमेंट्स आप खत्म हो गए और एक ही कमांडमेंट रह गया, ऑल एनिमल्स आर इक्वल। देखो कम्युनिस्ट जो विचारधारा है, जो कार्ल मार्क्स ने बताया था, जिसके ऊपर रशियन रिवॉल्यूशन हो गया, झार निकोलस सेकंड को लोगों ने सत्ता से बर्खास्त किया और कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता वहां पे रशिया में आ गई थी, हमको मालूम है। कार्ल मार्क्स तो मर गया, कार्ल मार्क्स मर गया हमको मालूम है, लेकिन कार्ल मार्क्स मरने के बाद में एक साम्यवादी, जिसको हम कम्युनिस्ट थिंकिंग बोलते हैं, उनकी सरकार वहाँ पे आ गई। जोसेफ स्टालिन और लियोन ट्रॉटस की सरकार वहाँ पे आई थी। शिबू जॉइन माय क्लास। लिंक वो पहले जो डाला है व्हाट्सएप ग्रुप पे, वही लिंक है मेरा, देखो। सो द सेवन कमांडमेंट्स
ऑफ एनिमलिज्म वेर रेड्यूस्ड एंड नाउ देर इज ओनली वन कमांड एंड दैट कमांड इज व्हाट आई सेड जस्ट नाउ। इधर चला गया वो। ऑल एनिमल्स आर इक्वल। हाँ तो कम्युनिस्ट पार्टी जब आ गई तो उनमें कैसा है कि हम सब इक्वल हैं, समान हैं, समान हक रहेगा, देश की जो प्रॉपर्टी है, देश की जो संपत्ति है, जो वेल्थ है, वेल्थ प्रॉपर्टी, देश का जो पैसा है, हम सब बांट के लेंगे, सबको पगार सेम रहेगा। यहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर, मजदूर, किसान, पेंटर, टीचर, साइंटिस्ट, सबकी पगार सेम रहेगी, सब उसको कम्युनिस्ट बोलते हैं, साम्यवादी। साम्य साम्य मतलब सेम टू सेम, कम्युनिस्ट बोलते हैं उसको, कम्युनिज्म, कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट। सो व्हाट इज कम्युनिस्ट थिंकिंग? दैट ऑल पीपल इन द कंट्री आर इक्वल। जैसा इंडिया है, समझो इंडिया, तो इंडिया में कैसा है, कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है, कुछ लोग बहुत गरीब है। तो रशियन रिवॉल्यूशन होने के बाद उन्होंने क्या कहा कि सबको इक्वल हम बांटेंगे प्रॉपर्टी, कोई अमीर नहीं रहेगा, कोई टाटा बिरला नहीं रहेगा, है ना, कोई जमींदार नहीं रहेगा कि जिसके पास 10,000 एकड़ जमीन है और कुछ लोगों के पास 1 एकड़, 2 एकड़। आप देखो गांव में आप जाएंगे, आप पॉपुलेशन बढ़ गया, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा, पहले के जमाने में लोगों के पास 100 एकड़ जमीन रहती थी, 1,000 एकड़ जमीन रहती थी, फिर उनको बच्चे हो गए, 10 10 12 12 20 20 बच्चे, उसमें डिवीजन हो गया, फिर उनको बच्चे हो गए ऐसे ही। तो अभी लोगों के पास खेती कितने हैं, 2 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़, तो ऐसा नहीं रहेगा बोले वो, है ना, सबको समान वाटअप करेंगे। जैसा देखो हम केला लाते हैं घर में और समझो 12 बच्चे हैं, तो सब बच्चों को एक 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 केला हम देते हैं, इसको बोलते हैं साम्यवाद, है ना। अगर बाप के पास समझो 30 एकड़ जमीन है और 3 बच्चे हैं, तो बाप क्या करता है, सबको 10 10 10 एकड़ जमीन देता है, इसको बोलते हैं समान वाटप। तो इस पे रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, कार्ल मार्क्स की विचारधारा ये थी, लेकिन बाद में ये लोगों ने उसको भी भंग किया, उसको भी खत्म किया। क्या बोल रहे हैं देखो, ऑल एनिमल्स आर इक्वल, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है जिसके ऊपर इसका थीम है, एनिमल फॉर्म का सब्जेक्ट है, इसको नहीं बोलना। दिस डायलॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। बोले तो होता है ना ऐसा कि बाप बोलता है कि मेरे लिए सब बच्चे समान है ना, मुझे क्या है, 3 बच्चे हैं, तीनों भी समान है, लेकिन एक बच्चा ऐसा रहता है बाप थोड़ा उसको ज्यादा देता है, ज्यादा प्यार करता है, तो ये फिर ये रूल तो खत्म हो गया ना जी बाबा। हाँ अब मेरे बाप ने क्या किया, जो प्रॉपर्टी है ज्यादा हिस्सा छोटे भाई को दिया है, अब वो क्या कर रहे हैं, छोटा भाई मर गया है, अब बड़े भाई को ज्यादा दे रहे हैं, मुझे भूल रहे हैं, तो ये समान न्याय कहाँ से आ गया है यहाँ पर। सो सम एनिमल्स आर, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, तो खत्म हो गया ये जो एनिमलिज्म है, ये एनिमलिज्म, एनिमलिज्म क्या है कि सब एनिमल समान हैं। इसके ऊपर वो जंग हुई थी, वो बगावत हुई थी, और हमने देखा था मिस्टर जोन्स जो वो एनिमल फॉर्म के, मैनर फॉर्म के मालक थे, उनको हकाला था और ये जानवरों ने उनकी सत्ता स्थापित की थी कि हम सब जानवर सेम हैं, हम हमारे हक के लिए लड़ेंगे, लाइक दैट। लेकिन आप क्या हो रहा है, कुछ लोगों को आप थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है, सम एनिमल्स आर मोर इक्वल, कुछ एनिमल्स कुछ
ज्यादा इक्वल है। नेपोलियन डाइवर्ट्स अ ह्यूमन फार्मर, नेपोलियन डाइवर्ट्स अ ह्यूमन फार्मर नेम्ड मिस्टर पिलकिंगटन एट अ डिनर एंड स्टेट्स हिज इंटेंट टू एली हिमसेल्फ विद द ह्यूमन फार्मर्स अगेंस्ट द स्वेटिंग क्लासेस ऑफ बोथ ह्यूमन एंड एनिमल ग्रुप्स। अब वो कुछ एली बनाता है मिस्टर पिलकिंगटन के साथ। एली मतलब वो दोनों में एक क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट होता है। एली बनाते हैं और बोलते हैं कि हम जो खून पसीना बहा रहे हैं गरीब जानवर और इंसान उन उनके खिलाफ हम लड़ेंगे। ही ऑल्सो मॉडिफाइज द नेम नेम ऑफ एनिमल फार्म बैक टू द मैनर फार्म। और एनिमल फार्म का जो नाम था वो उन्होंने एक्चुअली वो मैनर फार्म से एनिमल फार्म नाम दिया था, अब फिर से और उसको मैनर फार्म रखता है। मतलब कुछ क्या फायदा हो गया, क्या फायदा हो गया। क्लेमिंग दैट दिस लिटल इज द करेक्ट वन, लुकिंग इन एट द पार्टी ऑफ एलाइट्स थ्रू द फार्म हाउस विंडो द कम्युनल एनिमल्स कैन नो लॉन्गर वॉइस विच आर द पिक्स एंड विच आर द ह्यूमन बींग्स। सो इन दिस वे द प्लॉट एंड्स हियर। मतलब जिस बलबूते पे एनिमल फार्म बनाया गया था वो अब खत्म हो गया। एनिमल फार्म को फिर से उन्होंने मैनर फार्म का नाम दिया। तो जिस जिस चीज के लिए रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, रशियन राज्य क्रांति हुई थी, झार निकोलस सेकंड को लोगों ने भगा डाला था और एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई थी, अब वो रशिया में खत्म हो गई। वैसे ही इस जो एनिमल फार्म था उसको फिर से उन्होंने मैनर फार्म बनाया। एंड द आइडियोलॉजी ऑफ एनिमलिज्म इज डिस्ट्रॉयड एज द आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिस्ट थॉट, कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी विचारधारा वॉज डिस्ट्रॉयड बाय जोसेफ स्टालिन इन रशिया। लेट अस सी द थीम ऑफ द नॉवेला एंड देन वी विल कंप्लीट दिस नॉवेल टूडे। एनिमल फार्म इज मोस्ट वेल नोन नॉवेला इन द वेस्ट एज अ हार्श क्रिटिक ऑफ द हिस्ट्री एंड अ रेटरिक ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन, रिसाइटिंग द स्टोरी ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ सोवियत कम्युनिज्म इन द फॉर्म ऑफ एन एनिमल फेबल। एनिमल फॉर्म एलिगोराइजेस द अपस्विंग टू पावर ऑफ द डिक्टेटर जोसेफ स्टालिन, जोसेफ स्टालिन। तो इसमें क्या है, एनिमल फॉर्म एक नॉवेला है, नॉवेला मतलब एक छोटा शॉर्ट नॉवेल है, और इसमें रशियन रिवॉल्यूशन पे क्रिटिसिज्म किया है, टीका की है, टिप्पणी की है। और जो रशिया के जो डिक्टेटर थे हुकुमशाह जोसेफ स्टालिन, और उनका जो पावर था जो सत्ता थी उसके ऊपर भी यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है। तो एक एलिगरी है, एनिमल फार्म एनिमल फेबल है ना। तो देखो कैसा रहता है कि एनिमल फार्म जो है एक्चुअली ये रशिया है, और इसमें का जो नेपोलियन है, ये जो सुअर है, ये पिग है, डुक्कर है, ये एक्चुअली जोसेफ स्टालिन है जो रशियन कम्युनिज्म को बर्बाद करता है रशिया में। तो इसको एनिमल फेबल बोलते हैं। इन द नॉवेला द ओवरथ्रो ऑफ द ह्यूमन ऑपरेसर मिस्टर जोन्स बाय अ डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ एनिमल्स हिस्ट्री प्रोवाइड्स वे टू द एसोसिएशन ऑफ पावर अमॉन्ग द पिक्स, मच लाइक द सोवियत इंटेलेक्चुअल्स द पिक्स जनरेट देमसेल्व्स एज द गवर्निंग क्लास इन द न्यू सोसाइटी। सो रशिया में जैसा इंटेलेक्चुअल्स ने किया था, कार्ल मार्क्स ने किया था, जोसेफ स्टालिन ने किया था, जोसेफ स्टालिन ने किया था, लियोन ट्रॉटस्की ने किया था, वैसे ही यहाँ पर ये जानवर करते हैं और अपना खुद का एक गवर्निंग क्लास यहाँ पे बनाते हैं। गवर्निंग क्लास मतलब हुकूमत करने वाला क्लास। जैसा अब गवर्न कौन करता है, चीफ मिनिस्टर करता है, गवर्नर करता है, कलेक्टर करता है,
मिनिस्टर करता है, गवर्निंग क्लास हम बोलते हैं, जो सरकार चलाते हैं, सत्ता चलाते हैं। सत्ता प्रधानमंत्री मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, फिर हम आते हैं स्टेट, फिर यहाँ पे राज्यपाल मुख्यमंत्री ऐसे, फिर मंत्री रहते हैं, फिर बाद में हम लातूर आते हैं कलेक्टर होता है, औसा आते हैं तहसीलदार होता है, फिर गांव में जाते हैं तो वहां पे सरपंच होता है। ऐसा ये हुकूमत करने वाले लोग हैं, इसको गवर्निंग क्लास बोलते हैं। तो अब डुक्कर लोगों की सरकार आ गई एनिमल फार्म में। पहले वो मैनर फार्म था, सरकार इंसान की थी, हमको मालूम है वो इंसान कौन था, तो मिस्टर जोन्स था जो मालक था। तो ये डुक्कर लोगों ने, ये एनिमल ने बगावत की, क्रांति की, उसको भगा डाला। जैसा रशिया में हुआ था, रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ था, 1917, 1917, 1917 देयर वॉज अ रशियन रिवॉल्यूशन, और झार निकोलस सेकंड जो राजा थे उनको भगा डाला, और एक कम्युनिस्ट पार्टी की वहां पे सरकार आ गई। तो सेम मतलब ये एनिमल फार्म यहाँ का जो एग्जाम्पल दिया है, एक्चुअली ये क्या है, रशिया के बारे में है। यहाँ का जो एनिमल फार्म है वो क्या है, रशिया है। यहाँ का जो मिस्टर जोन्स जो मालक है वो झार है, निकोलस सेकंड। यहाँ का जो डुकरों का सरदार है, डुकर लोगों का, लोग नहीं बोलेंगे, डुकरों का, जानवरों का जो लीडर है वो नेपोलियन है। और वहां पे कौन लीडर थे, सोवियत लीडर जोसेफ स्टालिन थे। सो दिस इज द एनिमल फेबल, इनिशियली द स्ट्रगल फॉर प्री एमिनेंस बिटवीन लियोन ट्रॉटस्की एंड स्टालिन बिगिंस इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पिग्स, स्नोबॉल एंड नेपोलियन। इन बोथ द हिस्टोरिकल एंड फिक्शनल केसेस द अप कॉम्प्रोमाइजिंग बट पॉलिटिकली लेस पावरफुल फिगर ट्रॉटस्की एंड स्नोबॉल इज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम द रिवोल्यूशनरी स्टेट बाय द हेटफुल एंड फायर्स असर्पर ऑफ पावर स्टालिन एंड नेपोलियन। तो देखो हमको मालूम है कि ट्रॉटस्की का पावर कम हो गया, और ये पावर ट्रॉटस्की जो रशियन लीडर थे उनको खत्म करने का काम किसने किया, स्टालिन ने किया। वैसे होता है, देखो देखो अब लाल कृष्ण आडवाणी इतने सीनियर लीडर थे, लेकिन ये नए लीडर आ गए नरेंद्र मोदी वगैरह, अमित शाह, और जो पुराने लीडर थे पावरफुल उनको खत्म किया ये लोगों ने। ऐसा रहता है, सत्ता के लिए कुछ भी किया जाता है। द रिमूवल्स एंड द शो हियरिंग विद विच स्टालिन रिमूव्ड हिज ओपोनेंट्स एंड सॉडिफाइड इट हिज पॉलिटिकल बेस बिकम्स अ कैच एक्सप्रेशन इन एनिमल फॉर्म एज द इनकरेक्ट रिलेवेशंस ऑफ एग्जीक्यूशंस ऑफ एनिमल्स बाय नेपोलियन बिकम अपेरेंट नेक्स्ट टू द बिग ब्रेकडाउन ऑफ द विंडमिल। ऑल्दो ऑरवेल, जॉर्ज ऑरवेल द नॉवेलिस्ट, एस्टिमेटेड स्ट्रांगली इन सोवियत सोशलिस्ट आइडियल्स, ही थॉट दैट द सोवियत यूनियन अंडरस्टूड दीज प्रिंसिपल्स इन अ टेरिबली स्टबॉर्न मेथड फॉर एनिमल फॉर्म सर्व्स नॉट सो मच टू डिनाउंस टायरनी सो एज टू चार्ज द हॉरिफाइंग हाइपोक्राइसी ऑफ टायरनीज दैट बेस देमसेल्व्स ऑन एंड ओ देयर इनिशियल पावर टू आइडियोलॉजीज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वेलिटी। सो जॉर्ज ऑरवेल द नॉवेलिस्ट, बाय राइटिंग दिस नॉवेल नॉवेला एनिमल फॉर्म, ही वॉन्ट्स टू शो द हाइपोक्रेसी एंड टायरनीज, जिसको हम ढोंग बोलते हैं, और जो क्रूरता बोलते हैं, जो रशियन रिवॉल्यूशन के बाद आ गई और कितने लोगों को मार डाला, जैसा यहाँ पे नेपोलियन दूसरे जानवर को खत्म करता है, जो भी रास्ते में आते हैं वो रास्ते का काटा वो दूर करते जाता है। एंड मेनी एनिमल्स वेयर किल्ड एज मेनी लीडर्स वेयर किल्ड बाय जोसेफ स्टालिन इन रशिया। मोर एवर एनिमल फॉर्म कॉमेंट्स ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्लास टायरनी एंड द ह्यूमन बैंड टू सपोर्ट एंड रीस्टैब्लिश क्लास स्ट्रक्चर्स इवन इन सोसाइटीज दैट अलीगली व्यू फॉर ओवरऑल इक्वेलिटी। द नावेला डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ किस क्लासेस दैट आर इनिशियली इंटीग्रेटेड इन द फेस ऑफ अ कॉमन एनिमी एज एनिमल्स आर अगेंस्ट द ह्यूमन्स मे बिकम
इंटरनली सेपरेटेड व्हेन दैट एनिमी इज डिसरिगार्डेड द डिसमल ऑफ मिस्टर जोन्स constructs a power space before the next oppressor undertakes dictatorial control. क्या हो गया? जैसा हम बोलते हैं कि कांग्रेस की सरकार चली गई, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, बीजेपी की सरकार आ गई, क्या हुआ? अब लोग बोलते हैं कांग्रेस अच्छी थी यार, मतलब पेट्रोल का भाव बढ़ गया, लोगों की मजदूरी चली गई, नोटबंदी हुई, जीएसटी हुआ, रोजगार खत्म हो गया। अरे तो फिर कांग्रेस क्या भूली थी क्या? वैसे ही हो गया। लोग बोलते थे कि झार निकोलस सेकंड बुरा है, क्रांति करो, इसको फेंको, और एक कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी विचारधारा की पार्टी की सत्ता हम लाएंगे। ठीक है, लाए। जोसेफ स्टालिन बिकेम द डिक्टेटर, एज सद्दाम हुसैन वॉज द डिक्टेटर ऑफ इराक, हुकुम शाह, हुकुम शाह। एंड वॉट हैपन्ड? फिर से बुरे दिन आ गए। जो साम्यवादी विचारधारा थी, क्या थी? ऑल एनिमल्स आर इक्वल, इस पे सरकार बनी थी ना। जैसा अच्छे दिन आने वाले हैं, ये जो घोषणा हुई थी, इसके ऊपर सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन फायदा क्या हुआ? ठीक है, साम्यवादी विचारधारा, ऑल एनिमल्स आर इक्वल, मतलब हर इंसान इक्वल है, देश की संपत्ति, देश की प्रॉपर्टी, देश का पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, कोई अमीर नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। ये जो है ना कि द मास्टर क्लास एंड द वर्किंग क्लास, मतलब मालक वर्ग और मजदूर वर्ग, वर्किंग क्लास और मास्टर क्लास। मास्टर क्लास मीन जमींदार, जमींदार, अमीर, इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति, टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी और हमारे रामदेव बाबा पतंजलि के मालक। वर्किंग क्लास, वर्किंग क्लास मीन्स आवर शेतकरी, आवर मजदूर। अभी आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन अगेंस्ट द थ्री लॉज पास्ड बाय दिस गवर्नमेंट विदाउट एनी डिस्कशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा, विदाउट थिंकिंग व्हाट विल द फार्मर्स थिंक। शेतकरी क्या सोचेगा? कुछ नहीं सोचा, कायदा पास किया, अब आंदोलन चल रहा है। ठीक है, वैसे ही हो गया रशिया में, ऑल आर इक्वल, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब इक्वल हैं बोल के साम्यवादी पार्टी आ गई, लेकिन नहीं, हो गया एक गवर्निंग क्लास बन गया, जैसा एनिमल फॉर्म में बन गया ये गवर्निंग क्लास। नेपोलियन, सब एनिमल्स इक्वल है बोल रहे, लेकिन आयुष कौन कर रहा है ना? काम करने वाले तो काम कर रहे हैं, बाकी के डुक्कर लोग, घोड़े, गधे, बाकी सुअर सब काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नेपोलियन तो आइश कर रहा है, मलाई खा रहा है, घी खा रहा है। नेपोलियन स्नोबॉल है ना, बॉक्सर। तो क्या होता है, ये जो विचारधारा है वो मर गई। आप ऑल एनिमल्स आर इक्वल, अब क्या एक नया जोड़ा है ना? डायलॉग, ओरिजिनल डायलॉग क्या थी? कितने आदमी हैं, गब्बर सिंह का है? और नया डायलॉग जोड़ा, कितने औरतें थी, लाइक दैट, वैसा हो गया। एक नया डायलॉग जोड़ा गया, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल, सम एनिमल्स आर मोर इक्वल। सब एनिमल्स इक्वल है रे बाबा, लेकिन कुछ एनिमल्स का वजन होता है। अभी हमारे पास भी रहता है ना, मैंने अभी बताया कि सब बच्चे समान हैं, है ना? अब मेरे बाप को कितने बच्चे हैं? पांच बच्चे हैं, लेकिन पांच में से कुछ ऐसे दो बच्चे रहते हैं बाप उनको थोड़ा ज्यादा का दर्जा देता है। तो एक वेर इज इक्वेलिटी, वेर इज न्याय, दिस इज अ पार्शलिटी। ये तो अन्याय हो गया, ये तो इनइक्वेलिटी हो गई ना जी, असमानता।
इक्वेलिटी कहाँ है? दिस इज द इनइक्वेलिटी। मतलब जिस बेस पे आपने रशियन रिवॉल्यूशन किया था, सत्ता पलटाई थी आपने, जैसा एनिमल फॉर्म में हो गया, जैसा रशिया में हो गया, इसको जोड़ के देखना है हमको। सो दिस इज द एनिमल फेबल। सो जॉर्ज ऑरवेल ही सेज दैट द रिवोल्यूशन विच टुक प्लेस इन द एनिमल फॉर्म, और जो मैनर फॉर्म था उसका नाम बदल के उन्होंने एनिमल फॉर्म रखा था, फिर से उसको मैनर फॉर्म बनाया उन्होंने। सो सी, वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग एक्टिविटीज इन द नॉवेला, एनिमल फॉर्म इज द इट्स पोर्ट्रेल ऑफ नॉट जस्ट ऑफ द फिगर्स इन पावर बट ऑल्सो ऑफ द ट्रबल्ड पीपल देमसेल्व्स। एनिमल फॉर्म इज नॉट आर्टिकुलेटेड। हाँ ओके हाँ, थोड़ा सा मैं पीछे जाना पड़ेगा। मोर ओवर एनिमल फॉर्म कॉमेंट्स ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्लास टायरनी एंड द ह्यूमन बैंड टू सपोर्ट एंड री एस्टेब्लिश क्लास स्ट्रक्चर्स इवन इन द सोसाइटीज दैट एलिगली व्यू ऑफ ओवरऑल इक्वेलिटी। द नॉवेला डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ क्लास दैट आर इनिशियली इंटीग्रेटेड इन द फेस ऑफ अ कॉमन एनिमी एज द एनिमल्स आर अगेंस्ट द ह्यूमंस मे बिकम इंटरनली सेपरेटेड व्हेन दैट एनिमी इज डिसरिगार्डेड। द डिसमल ऑफ मिस्टर जोन्स कंस्ट्रक्ट्स पावर स्पेस बिफोर द नेक्स्ट ऑपरेसर अंडरटेक्स डिक्टेटोरियल कंट्रोल। तो मिस्टर जोन्स को आपने कहा था कि बहुत बुरा इंसान है मिस्टर जोन्स, जो मैनर फॉर्म के मालिक थे, इंसान थे वो, तो इन जानवरों ने उनको भगाया, चल बेटा भाग जा नहीं तो खत्म करेंगे, और ये जानवर यहाँ के मालिक बन गए, और वो मैनर फॉर्म का उन्होंने नाम रखा एनिमल फॉर्म, जो हमारा टाइटल है नॉवेल का। तो क्या हो गया, एक डिक्टेटर को आपने भगाया, एक हुकुम शाह को आपने भगाया, और कहा कि लोकशाही लाएंगे, लेकिन क्या हो गया, जिसको आपने लोकशाही के नाम पे मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, वो तो हुकुम शाह आपके सिर पे बैठ गया, आवाज नहीं कर सकते आप, खलास, कुछ नहीं बोल सकते, है ना। मतलब क्या हो गया जी, क्या हो गया, एक एक गांव के गुंडे को निकाल के एक शहर के गुंडे को लाया, मतलब इससे ज्यादा तगड़ा गुंडा आ गया जी आपके सिर पे, आप पे हुकूमत करने के लिए। द नॉर्मल स्प्लिट बिटवीन द इंटेलिजेंट एंड द एनिमल वर्क फोर्स क्विकली कम्स टू प्रॉम्प्ट इटसेल्फ इन द नॉवेल इन द शेप ऑफ क्लास डिविजन्स विद द ब्रेन वर्कर्स एज द पिक्स क्लेम टू बी। ब्रेन वर्कर्स मतलब दिमाग का खेल खेलने वाले, ब्रेन वर्कर्स यूजिंग देयर सुपेरियर इंटेलिजेंस टू इन्फ्लुएंस द सोसाइटी टू देयर ओन एडवांटेज। अब ये ब्रेन वर्कर्स क्या है, अपना दिमाग का खेल खेल रहे हैं और समाज को लूटने का काम कर रहे हैं। द ऑथर नेवर एक्सप्लेन्स इन एनिमल फॉर्म वेदर दिस अनडिजायरेबल स्टेट ऑफ अफेयर्स इस्टेब्लिशेस एन इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी और मेयरली एन आउटकम कंडीशनल ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ सोसाइटीज इंटेलेक्चुअल्स। वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग एक्टिविटीज इन द नॉवेला एनिमल फॉर्म इज इट्स पोर्ट्रेयल ऑफ नॉट जस्ट ऑफ द फिगर्स इन पावर बट ऑल्सो ऑफ द ट्रबल्ड पीपल देमसेल्व्स। एनिमल फॉर्म इज नॉट आर्टिकुलेटेड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव्स ऑफ एनी पर्टिकुलर कैरेक्टर, दो इनफ्रिक्वेंटली इट डज शिप इन टू क्लोवर्स कॉन्शियसनेस, रादर द स्टोरी इज वॉइस्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द कॉमन एनिमल्स। इनोसेंट लॉयल एंड पेन स्टेकिंग एनिमल्स गिव ऑरवेल अ चांस टू ड्राफ्ट हाउ सिचुएशंस ऑफ टायरनी अराइज नॉट ओनली फ्रॉम द मोटिव्स एंड टैक्टिक्स ऑफ द ऑपरेसर्स बट ऑल्सो फ्रॉम द इनोसेंस ऑफ द ऑपरेस्ड हु आर नॉट इनिशियली इन अ सिचुएशन टू बी बेटर रिफाइंड और रिवर्स वेन ऑफर्ड विद प्रिडिकमेंट बॉक्सर डिजायर्स नॉट टू पजल आउट द सजेशंस ऑफ वेरियस पॉसिबल एक्शंस बट इंस्टेड टू रिपीट टू हिमसेल्फ नेपोलियन इज ऑलवेज राइट, नेपोलियन इज ऑलवेज राइट। तो क्या होता है,
ऑपरेसर जो हुकूमत करते हैं, जो जुल्म करते हैं, और ऑप्रेस्ड मतलब जो जुल्म सहन करते हैं, ये दो क्लास तैयार हो गए। दैट इज मास्टर क्लास, ये गवर्निंग क्लास, ये जो पॉलिटिशियंस हैं जो पॉलिटिक्स का खेल खेलते हैं और गरीब लोगों को, गरीब भारतीयों पे वो अन्याय करते हैं, करप्शन करते हैं और आप पे हुकूमत करते हैं, ऐसे दो क्लास तैयार हो गए। अब ये जो खेल चल रहा है इसमें इनोसेंट लोगों को भी अंदर लिया जाता है जो बॉक्सर है। और बॉक्सर कैसा है, जो कार्यकर्ता होता है ना, जो भक्त होता है, तो लीडर की तो वाह वाह करता है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नेपोलियन जिंदाबाद, मतलब जोसेफ स्टालिन जिंदाबाद, और ये जिंदाबाद का नारा लगा रहा है वो एनिमल बॉक्सर हु सेज नेपोलियन इज ऑलवेज राइट। आवाज करायचं नाही, माझ्या नेत्याला काही बोलायचं नाही, मेरा नेता महान है, मेरा नेता कोई गलती नहीं करता। तो ये होते हैं भक्त, ये होते हैं अंधभक्त। और वैसे ही हो गया रशिया में, नेपोलियन इज ऑलवेज राइट। एनिमल फॉर्म स्टैब्लिशेस हाउ द इनएबिलिटी और अनविलिंगनेस टू क्वेश्चन अथॉरिटी क्रिटिसाइजेस द वर्किंग क्लास टू ग्रीव द फुल डिग्री ऑफ द रूलिंग क्लास डोमिनेशन। देखो, वर्किंग क्लास अब तो डोमिनेशन में आ गया। वर्किंग क्लास मतलब जो मजदूर है, जो किसान है, जो गरीब है, जो काम करके खाता है, उनके ऊपर तो ये रूलिंग क्लास। रूलिंग क्लास मतलब कौन है रूलिंग क्लास? ये पॉलिटिशियंस है ना, आमदार, खासदार, मंत्री, प्रधानमंत्री, है ना, ये हुकुम शाह, ये राजा, ये महाराजा, जिसका चलता है देश में, वो उनकी हुकूमत चलती है। तो आप डोमिनेशन में आ गए, आप ये लोग गरीबों पे अन्याय करने लगे। एनिमल फॉर्म कैन ऑल्सो बी रेड एज अ डायस्टोपियन नॉवेल फॉर इट पोर्ट्रेज अ वर्ल्ड वेयर एनिमल सीक अ यूटोपियन सोसाइटी बट एंड अप इन अ वर्ल्ड विच इज वर्स दैट द वन दे चेंज्ड। तो यूटोपियन सोसाइटी की तरह, जो एक आदर्श राज्य बोलते हैं, ये आदर्श राज्य बनाना चाहते थे लेकिन नहीं बना सके। प्लेटो द ग्रेट फिलोसोफर, द ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर, ईस्वीसन पूर्व BC, बिफोर क्रिस्ट, वो कहता था अपने, उनकी एक किताब है रिपब्लिक, रिपब्लिक, इन हिज बुक रिपब्लिक प्लेटो ही ट्राई टू इस्टेब्लिश वन वन आइडियल स्टेट, आदर्श राज्य जिसको हम राम राज्य बोलते हैं। अब शिवशाही बोलते हैं हम, राम राज्य बोलते हैं, बरसों से हम ये सपना देख रहे हैं राम राज्य का, अभी भी नहीं हो गया। कांग्रेस बोलो, BJP बोलो, कोई भी पार्टी बोलो, हम वो एक आदर्श लोकशाही राज्य नहीं बना सके। अभी भी हमारे देश में इनइक्वालिटी है, गरीबी है, मारा मारी है, दंगे फसाद है, मर्डर है, रेप है, हम हमारे देश को अभी भी राम राज्य नहीं बना सके। वैसे ही जिस बेस पे ये राम राज्य बनाना चाहते थे, एनिमल फॉर्म को नहीं बना सके। द एनिमल्स दे कुड नॉट मेक देयर देयर फॉर्म एज एनिमल फॉर्म, फिर से उसको मैनर फॉर्म ही बनाना पड़ा। मतलब इंसान, इंसान जो है ना, ऐसा कहते हैं कि बहुत ग्रीडी है, और एनिमल्स जो हैं इनोसेंट, इसलिए सब में वफादार जो रहता है कुत्ता होता है, कुत्ता। तो ऐसा बोलते हैं कि आपने एक फिल्म देखा होगा कि जैकी श्रॉफ का फिल्म था, उसका बाप सपेरा रहता है, सांप को पालते हैं, तो जब वो मर्डर होता है तो वो सांप बदला लेता है,